बैड बॉय बैड बॉय बैड बॉय। करीब 3 दशक पहले 1995 के अंदर बैड बॉयज से धमाकेदार असर छोड़ने वाले भाई साहब यहां पर जिया गए। इस पुलिस वाले माइक और मार्कस की एक बार फिर धमाकेदार बड़े पर्दे के ऊपर एंट्री हो चुकी है। सो यार इन दोनों की जोड़ी एक बार और कॉमेडी और एक्शन का तड़का लगाते हुए दर्शकों को फुल ऑन एंटरटेन का मजा देती है। सो दोस्तों फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर जोड़ी आदिल और बिलाल ने। इन्होंने यार बैड बॉयज को जिस तरह से मियामी की सड़कों के ऊपर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना हो या एक्शन करना हो, एक्शन का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और इस फिल्म की खास बात यह है कि यार उम्र बढ़ने के बावजूद दोनों एक्टर्स ने कमाल का काम किया है। जैसे जैसे यार ये जैसे जैसे इस फिल्म की यार फ्रेंचाइजी आ रही है, ये और भी ज्यादा लोगों के अंदर पॉपुलर हो रही है। सो गाइज क्या ये मूवी यार गाइज एंटरटेन कर पाएगी, बाकी तीनों फिल्मों की तरह बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हो पाएगी? आप लोगों को ये मूवी पसंद आएगी या नहीं, आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, पूरी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो एंड तक बने रहना हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना। बैड बॉय राइड और डाई की अगर स्टोरी के बारे में बात करें तो 2020 में ही आई बैड बॉय फॉर लाइफ की ही स्टोरी को ये आगे कंटिन्यू करती है, जहाँ कैप्टन कॉनर होनार्ड की मौत के बाद उनके ऊपर घुसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए होते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ पर मार्कस जो होता है वो इन चीजों को नकार देता है, वो ये सारी चीजें मानने को तैयार नहीं होता है कि उनका कैप्टन एक भ्रष्ट पुलिस वाला था। और भाई साहब निकल पड़ते हैं मार्कस और यहाँ पर माइक दोनों मिशन पर इस सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए। साथ ही इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए वो मदद लेते हैं कैप्टन की हत्या के जुर्म में सजा काट रहे अपने बेटे अरमांडो का। लेकिन गाइज यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, उसको जब ये जेल से शिफ्ट करते हैं अरमांडो को, तो गाइज यहाँ पर उनकी खुद की ही एजेंसी उनको भगोड़ा साबित कर देती है और गद्दार साबित कर देती है। अब क्या आगे इस फिल्म के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके लिए तो यार गाइज आपको सिनेमाघरों का रुख करना पड़ेगा। सो यार गाइज देखा जाए तो यार मूवी के अंदर कहानी में कोई नयापन तो आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन माइक और मार्कस की जुगलबंदी, लेकिन मार्कस के यहाँ पर कुछ वन लाइनर्स, जिस तरह के डायलॉग वहाँ पर रखे गए हैं, जिस तरह से उन्होंने यार उसको यूज़ किया गया है और जिस तरह से कुछ शानदार एक्शन सीक्वेंसेस को कोरियोग्राफ किया गया है, इस मूवी को यार मस्ट वॉच बनाता है। पार्क के अंदर यार जिस तरह से मगरमच्छ के साथ भाई साहब क्लाइमेक्स के सीन को यार यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है, साथ ही साथ फैमिली इमोशन को भी यहाँ पर यार खूबसूरती से दिखाया गया है। सो यार ये इस मूवी के प्लस पॉइंट है। सो यार अगर एक्ट्रेस के परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइज यहाँ पर यार 55 साल के विल स्मिथ हो चुके हैं और फिल्म के अंदर भाई साहब काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी लगे हैं और उनकी स्मार्टनेस के साथ साथ ही फिल्म के अंदर वो उनके अंदर यार जोश और तेजी के भी कमाल का कॉम्बो हमें देखने को मिलता है। वहीं यार 59 इयर्स ओल्ड मार्कस, उनकी कॉमेडी टाइमिंग का यार कहना ही क्या भाई साहब, उन्होंने फिल्म द फिल्म बहुत ज्यादा हंसाया है और फिल्म में इस फिल्म के अंदर भी वो हंसाने में बहुत ज्यादा कामयाब रहे हैं। फिल्म के अंदर यार अरमांडो के पिता बने जेकब भाई साहब लाइमलाइट लूट लिए पूरी फिल्म के अंदर उन्होंने, और फिल्म के अंदर यार जिस तरह से VFX एडिटिंग और तकनीकी तौर पर यार ये मूवी बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भाई साहब देखने लायक बनाती है इसको। BGM इसका टॉप लेवल है, जो कि होना भी चाहिए एक्शन कॉमेडी फिल्म का। सो यार गाइज अगर आप भी बैड बॉय फ्रेंचाइजी के फैन रहे हैं तो यकीनन ये मूवी आप लोगों के लिए ही है। सो दोस्तों अगर रेटिंग की बात करूँ तो मैं दूंगा इस मूवी को 4 out of 5 stars। जी हाँ गाइज। सो दोस्तों अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।